हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये तीन कलर से हमने बनाया है। ये देखिए इसमें इस तरीके से पत्तियां दिखाई देंगी। तो चलिए फ्रेंड्स डिज़ाइन बनाना शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करें। इसके लिए ये देखिए हमने तीन कलर की उंडी है, इसको हम तीन कलर से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे और इसके लिए हम 35 चेन बनाएंगे। चेन हम नॉर्मल बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। एक, दो, 31, 32, 33, 34 और ये 35। ये देखिए अब हमने 35 चेन बना ली है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे और ये ध्यान रखना है, यहाँ से हम इसको सीधा रखेंगे, इसको पलटना नहीं है, नहीं तो हमारी सेप अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से बहुत ध्यान से ये देखिए, और यहाँ पर इसको हम जॉइंट कर देंगे। देखिए अब ये देखिए हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक एक चेन बनाएंगे। देखिए हर एक चेन में इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया इसमें करेंगे और ये पूरी रो जो है इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे और ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये हमारी सेकंड रो है, इसमें हम ये तीन चेन बनाएंगे, तीन इस तरीके से इसको लपेटा और डबल क्रोशिया करते हुए इसको बुन लेंगे। ये देखिए ये एक ही चेन में हमने दो चेन बना ली है। ये अगली चेन है, इस चेन में हमने एक चेन एक बार डबल क्रोशिया किया और इसे पूरा नहीं किया, उसमें हमने दो फंदे घटाए, फिर दो हमने रख लिए। ये देखिए अब ये जो इससे अगली चेन है इसमें हम इस तरीके से बुनेंगे, आप ध्यान से देखिए। ये हमने दो फंदे हम घटाएंगे, दो फंदे हमने रख लिए, फिर हमने उनको लपेटा। देखिए तीन फंदे हमने इस बार घटाए और दो फंदे हमने लास्ट में घटाए। ये देखिए ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये लास्ट चेन है, इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से दिखता है। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तीन चेन, एक दो तीन चेन हमने बना ली और इसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है
इस तरीके से क्रोशिया निकालेंगे और दो फंदे हम ये हटाएंगे, दो रख लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और यहीं से हम फिर से धागा निकालेंगे और दो चेन एक चेन में से हम बनाएंगे, फिर एक चेन बढ़ाई, फिर धागा इस पर लपेटा और यहाँ पर हम ये देखिए देखिए फिर एक चेन बनाई फिर एक चेन बना लेंगे और ये थर्ड रो जो है इसी तरीके से हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, ये देखिए। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे, एक चेन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरीके से एक चेन में दो बार, और इस तरीके से ये फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहीं पर रोक देंगे और जो हमारा एक पीस है पूरा हो गया। इसे कंप्लीट करने के बाद इसको धागा काट कर हम इस तरीके से ये देखिए। अब हम ऐसे ऐसे नौ पीस बनाएंगे। ये देखिए अब हम सेकंड पीस स्टार्ट करेंगे और वही हम 35 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये 35 चेन हमने बना ली है। अब हम इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, ये देखिए इसके अंदर डालकर। और ये ध्यान रखना है ये चेन हमारी सीधी हो। देखिए यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम फिर वही रिपीट करेंगे जैसे हमने इसको बनाया था, इस पीस को इसी तरीके से इसको बनाएंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम तीन चेन बनाएंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया
इसी चेन में हम करेंगे। ये देखिए, फिर हम इससे अगली चेन में इस तरीके से देखिए हमने दो फंदे घटा लिए। फिर यहीं से हम इसी चेन में इसको दोबारा से इस तरीके से बुन लेंगे। इसी चेन में से हम दोबारा बुनेंगे और इस तरीके से ही फंदे घटाएंगे। दो फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए, फिर धागा लपेटा और यहीं से एक बार और डबल क्रोशिया किया और फिर एक साथ इसको हम घटा लेंगे और पूरा राउंड जो है इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे भी हम इसी तरीके से इसको पूरा करेंगे जैसे हमने इसको किया, इसी प्रोसीजर से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम जो इसमें क्रीम कलर लगाएंगे, जैसे हमने इसको इसमें जोड़ा वो क्रीम कलर हम इसमें जोड़ देंगे और इसी तरह से जोड़ते हुए हम इसमें एक कलर से तीन पीस बनाएंगे, तीन ऑरेंज से तीन पीस बनाएंगे हम ब्लू कलर से और तीन पीस बनाएंगे हम क्रीम कलर से। इसी तरीके से हम इस तरीके से इसमें जोड़ते हुए इसको पूरा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेवन पीस हम इसके बना चुके हैं और ये इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये इसके नीचे दब गया, पीछे वाला हिस्सा इसका उठा हुआ। फिर ये वाइट देखिए, ये इसके नीचे ये इसका जो हिस्सा है ये इसका उठा हुआ है। इसी तरीके से हमें ये पूरा बनाना है। अब हम इसमें ये आठवां पीस जोड़कर बताएंगे कि कैसे जोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से हम जोड़ेंगे। ये इसके उल्टे वाला पार्ट है और इसका सीधा है, तो उल्टे वाली साइड से हम इस तरीके से इसको डालेंगे। देखिए, उल्टी साइड से हमें सीधी साइड को इसको बुनना है। इस तरीके से हम बुनेंगे और जब ही हमारी ये सेटिंग इसकी सही बैठेगी और हम ये पूरा पार्ट बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये लास्ट पीस है जो बनाएंगे हम और इसी में हम इनको दोनों को जोड़ेंगे। ये देखिए, इसको और इसको। ये देखिए, यहाँ से इसमें डालेंगे और इसके हम ऊपर को लेकर आएंगे इसको। और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। और ऐसा ही पीस बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए हैं, यहाँ पर यही पीस हमको बनाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 9 सर्किल पूरे बनाकर इसको आपस में जोड़ दिया। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन बनकर आया है। अब हम इसकी सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, पहले सर्किल में हम इसको कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और इसमें हम 17 सिंगल चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे 17 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हर एक चेन में से चेन बनानी है 12 और सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे बुनना है 13 14 15 16 और ये 17 चेन हम बना चुके। अब हम यहाँ से ऑरेंज वाले सर्किल पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और 17 बारी हम ऑरेंज वाले सर्किल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए इसकी हम पूरी बाउंड्री बना लेंगे। ये देखिए इसकी हमने बाउंड्री बना ली है। अब इस धागे को यहाँ से हम कट कर लेंगे। इस धागे को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। देखिए अब हम इसको बीच में से इस धागे से एक साथ सिल देंगे। अब हम इसकी दोनों साइड से जो ये चैन है बची हुई इसको गिनेंगे और जो बीच में है यहाँ पर आधी इधर रखेंगे और बीच में हम इसको इस तरीके से धागा निकालेंगे। पहले हम इसको गिन लेते हैं। यहाँ पर हमने आधे फंदे इधर किए, आधे इधर, और बीच में हमने ये धागा निकाल लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। जितने भी ये सर्किल हमने बनाए थे सबके बीच में हम एक एक बार ये धागा इस तरीके से निकालेंगे जैसे हमने यहाँ से निकाले हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। आप भी बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।